लेकिन आसान होगा नहीं। इंफॉर्मेशन की कमी है, एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन वो थोड़ी यहाँ जरूर कमी रहने वाली है उसका। इतना इंफॉर्मेशन के यहाँ पे किस तरीके से यही एक बात, लेकिन प्रॉब्लम में फंसे यहाँ पे रॉनी कटआउट किया गया, पावर कटआउट किया गया, मानिया नकुल केवल दो खिलाड़ी यहाँ पे रहने वाली थी, बात की मैं जिक्र कर रहा था कि बिना इंफॉर्मेशन के जाएंगे तो खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि निंजा जोड़े आपके सामने ये खिलाड़ी किसी से कम नहीं, कोई भी आ जाए बहुत ही आसानी से कई बार आपको समाप्त कर देते हैं, और यहाँ से टीम आई को सोच के लिए कम बैक वो एक ऑप्शन है, बट चलिए फाइनली वोट मिलना काफी मुश्किल नजर आएगा, लेकिन नकुल कोशिश कर रहे थे वो एंगल निकालने का, लेकिन दोनों कोई रेक्स देर करेंगे, क्या यहां से एक और एलिमिनेशन आ सकता है, एस पावर एक लौते खिलाड़ी नजर आएंगे, बेशक मैक्स को किया गया नॉकआउट, लेकिन अब समय का भाव कितना है ये देखने योग्य होगा, कि पीछे से आ चुके रेक्स, ये एक बैटल है, इस बैटल में किसका नाम दर्ज होगा, या एस पावर का या फिर सामने बैठे हुए कप्तानी पारी आ सकते थे, लेकिन जी नहीं एस पावर शट डाउन करेगी, था वो काफी बेटर था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस दो गाड़ियों को जाने दिया, बट एक खिलाड़ी को वहां पे डाउन करने की कोशिश, बट मान्या का वहां पे एंगल मिल जाता है, उन्हें डाउन किया जाता है, अब जो अदर एंगल से दो खिलाड़ी एक सिचुएशन क्रिएट किए थे उसका फायदा उठाना यहाँ पे चाहेंगे गुजरात टाइगर, शैडो ग्रेनेड जो करना चाह रहे थे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, लेकिन सामने से एस पावर का ग्रेनेड शैडो को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम जो सिनारियो है वो पूरा पूरा एक सोल की तरह वापस से ट्रांसफर होता हुआ देखने को मिल रहा है, गुजरात टाइगर लग तो रहा था एक अच्छा चैलेंज रखेंगे, लेकिन वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया आई कुसोल की तरफ से, और परफॉर्मेंस लाजवाब, लेकिन अगेन मान्या को फिर से डाउन किया गया, लेकिन ग्रेनेड की बात करें एस पावर एक के बाद एक बेहतर यहाँ पे कनेक्शन बनाते चले जा रहे हैं, और एस ट्वेल्व के से को कैसे डाउन कर दिया आपने, ये नामुमकिन था लेकिन मुमकिन।